वाहे गुरु जी की फतेह। मेरा नाम सुपन कौर है, मैं तीसरी जमात विच पढ़ती हाँ। मेरे स्कूल का नाम गुरु हरकिशन पब्लिक स्कूल इटिया गेट है। अज मैं तुहानू एक साखी सुना जा रही हाँ। मेरी साखी का नाम है भाई कटारू सिंह जी दी सिक्खी। वह गुरु अर्जन देव जी दे सिख होए सन। वह पाकिस्तान के गजनी शहर विच रहिंदे सन। उदो जो राशन डिपो हुंदे सी उसका सारा चार्ज सूबेदारा कोल हुंदा सी। भाई कटारू जी सूबेदार कोल तड़वई की नौकरी करते सन। गुरु अर्जन देव जी दे चरण पावल प्राप्त करके गुरमंत्र दी दात लेके सिख सजे सन। गुरु अर्जन देव जी ने जदो सिखी बख्शी ते पहला पूछया की कम कर दियो। भाई कटारू जी ने कहा जी तड़वई दी नौकरी। गुरु अर्जन देव जी ने सिखी कमाण वास्ते पांच वचन दिते। पहला गाठरी तोला, दसवन जरूर करना, अमृत वेले उठ के जपजी साहिब दा पाठ करके उच छकना, कम कार कर दिया वाहिगुरू वाहिगुरू शब्द की कमाई करनी, ते किसे दा जान बुझ के दिल्ली दुखाना। भाई कटारू जी ने सारे वचन मन्ने। इलाके विच बड़ी शोभा हो गई, कुछ लोग कोलो शोभा बर्दाश्त ना हुई, ते उन्होंने सोचा कि कम करिए कि भाई कटारू जी नू बदनाम करिए। सात अठ बंदे भाई कटारू जी की दुकान ते पहुंचे, ते तीन चार ने गली ला लिया, ते तीन चार ने उन्हां दे वट्टे बदल दिते। नाले बैकबे में शिकायत की, ए घट तोलदा है, तुसी इस ते छापा मारो। महकमे वाले आ गए, महकमे वालियां ने जांच करनी शुरू की। भाई कटारू जी ने कहा ए पांच सत वट्टे मेरे रही हैं, तुसी वट्टिया की जांच करो ते मैनू अपना काम करन दियो। भाई गुरु अर्जन देव जी दे चरणा दा ध्यान करके भाई कटारू जी जपजी साहिब दा पाठ करन लगे ते मन विच अरदास करन लगे, क्योंकि बाणी विच जिक्र आउंदा है कि कोई बवजल आवे तां सिख बाणी पढ़ के अरदास करे। गुरु अर्जन देव जी अमृतसर बैठे हुए सन। एक सिख आया ते उसने मंजूरी टका मत्था टेकिया, जो कि दर्शन करन लई आया सी। गुरु अर्जन देव जी ने टका चुकिया ते कदे खब्बी तली ते कदे सज्जी तली ते रख रहे सन। सिख ने पूछया महाराज जी ए की कर रहे हो, संगता मोरा सोना चांदी मत्था टेक दिया हन ते तुसी कहने हो खजाने विच पा दियो, अज एक टका लै के कदे खब्बी तली ते कदे सज्जी तली ते रख दियो। गुरु अर्जन देव जी ने कहा मैं की करा, गजनी विच बैठा मेरा सिख भाई कटारू दे कुछ लोगों ने उस दे वट्टे बदल दिते हन, ते नाले महकमे में शिकायत की है कि ये घट तोलदा, तुसी इस ते छापा मारो, महकमे वाले जांच कर रहे हैं, ते मेरा सिख जपजी साहिब नाल जुड़ के अरदास कर रहा है। सिख ने पूछा महाराज जी टके नूं की कर रहे हो। गुरु अर्जन देव जी ने कहा जपजी साहिब दे पाठ ते अरदास करके उसकी चिंता मेरे कोल आ गई है। जदों महकमे वाले हल्के वजन दा वट्टा सज्जे छाबे विच रखते हन ते मैं टका सज्जी तली ते रख लेना हाँ। जदों महकमे वाले खब्बे छाबे विच रखते हन ते मैं टका खब्बी तली ते ले आना हाँ, इस करके कि मेरे सिख दे वट्टिया विचों कोई फर्क ना आवे। गुरु अर्जन देव जी अमृतसर विच बैठ के कचड़ी विच बैठे अपने सिख भाई कटारू जी दी पैज रखी। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। Thank you.
ਸਫਲ।